बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शोभला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरा मैन टीम मनीर अहमद मियां नसीम मोनी के साथ तलवार पोस्ट बंडा सिंह वाला मुकाम पर मौजूद हूं। मेरे साथ DSP सिटी सर्कल सैफुल्ला साहब मौजूद हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिल्ली इंतजामिया की तरफ से महकमा हेल्थ, रेवेन्यू, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 122 और महकमा पुलिस के भी अमदादी सरगर्मियाँ जो हिस्सा ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से महकमा पुलिस एक इमदादी का सरगर्मियों के वाले से क्या इकदाम कर रहे हैं। अस्सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने आप देख रहे हैं कि पुलिस का कुछ एक अलहदा फ्लड रिलीफ कैंप हमने कैम किया हुआ है, जिसमें हमारे 181 के करीब जवान हैं। SHO साहिबान, मुस्तफाबाद, राजा जंग, गंडा सिंह मेरे साथ खड़े हैं, तो और लेडीज़ पुलिस हमारे साथ है, एलिट पुलिस हमारे साथ है। हमने नाकाबंदी की हुई है, हमने पूरे बंद पे जो है वो ड्यूटी लगाई हुई है। उसके बाद रेस्क्यू के लिए बोट्स में हमारे दो दो जवान जा रहे हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, और उनको एलानात वगैरह करवा रहे हैं। तमाम मेम्बरान से मीटिंग की है हमने, तमाम जो इनके मेम्बर्स काउंसिल एक बनी हुई है वहाँ भी मीटिंग की है ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि वो आप रेस्क्यू के लिए कि वो वहाँ घर छोड़ने पर आमादा हो जाएँ। इसलिए हम पुलिस हिम वक्त आ रहे हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जो लोग इधर मुतासरीन हैं उनको खाना वगैरह भी दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, वो इंतजामिया का काम है, लेकिन हम भी अपने तौर पर पुलिस भी जो है उनकी हेल्प कर रही है, उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। कल हमने जो है घरों से लोगों को लेकर बोट्स में है, वो खुद लेकर आया हूँ, मैं भी साथ किया था, SHO साहब भी थे, आज भी इसी तरह बोट्स में दो दो जवान हमारे साथ जा रहे हैं, और ट्रक्स जो है आगे जा रहे हैं उनमें दो दो जवान हमारे साथ हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ये 24 घंटे आपका अमला पुलिस का, पंजाब पुलिस का जो इधर एक्टिव है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमने शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी 181 जवान जो है हमारे और 10 लेडीज़ हैं हमारे साथ और एलीट फोर्स है, ट्रैफिक है, तमाम ड्यूटी जो है हमारी वो अलर्ट है इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाजी, ये थे सैफुल्ला भट्टी साहब, DSP साहब बता रहे थे कि फ्लड कैंप पुलिस जिस तरह रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस वालों ने भी फ्लड कैंप लगाए हैं, इसी तरह तलवार पोस्ट पर और दूसरी जगह पर पुलिस की तरफ से भी फ्लड कैंप लगाए गए हैं, और पुलिस भी अपने इस मुतासरीन भाइयों को इस माहौल में तनहा नहीं छोड़ेगी और अपना भरपूर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। मेरे साथ गंडा सिंह वाला के SHO साहब भी मौजूद हैं, मुस्तफा लल्ली के SHO साहब भी मौजूद हैं, उनके वो भी अपनी टीम के साथ इधर काफ़ी अलर्ट हैं। अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला कसूर पर खास करम करें, और जो ये फ्लड का जो पानी दरिया सालू में इस वक्त जा रहा है, दिन मसलसल पानी में इजाफा हो रहा है, अल्लाह ताला खास करम करे। नाजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। नाजी मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला के मुकाम तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सतलुज में जो पानी छोड़ा गया इंडिया की तरफ से, वहाँ पर महकमा हेल्थ, रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस के अमला भी अपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ दुल्ला शाकर साहब मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के बड़े एक्टिव इनके हैं, उनसे हम बात करते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दुल्ला शाकर साहब बताइएगा कि सिविल डिफेंस जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है महकमा हेल्थ और रेस्क्यू 112 के साथ, आप इस वाले से क्या बताएंगे कि किस तरह आप किरदार अदा करें? यहाँ पर हमारे लोग जो है ना वो शिफ्ट वाइज जहाँ पर डिप्लॉय हैं, सुबह के टाइम पे भी और रात को भी, और इसमें जो है ना वो हम वहाँ पे जाके लोगों को जो फंसे हुए आगे गांव के अंदर हैं, लोग मुतासरीन हैं, उनको जाके खाना जो है ना हमारे लोग तकसीम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लोग आना चाह रहे हैं उनको सिविल डिफेंस की बोट्स में उनको लाया भी जा रहा है, और आगे उनको फिरोजपुर रोड तक उनको छोड़ के भी आया जा रहा है उनको। जी जी जी। अब्दुल्ला शाकर साहब का कहना था कि जो मुतासीन हैं इनको हम खाना भी उधर मुहैया कर रहे हैं और उनको महफूज मकाम पर पहुँचाने के लिए सिविल डिफेंस का अमला इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि वो इधर से जानवर गाड़ी में डाल रहा है, किधर जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि भाई आप कहाँ के रहशी? हम मस्तेगी के रहशी हैं। मस्तेगी रहशी। आप काफ़ी पानी आया आपके गाँव में भी? हम जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो ये जानवर आप गाड़ी में डाल के महफूज मकाम पर जा रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, ये हम सूखी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। नाज़िम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।